ये जो गठबंधन है अब इसमें रिश्ता पहले वाला नहीं रह गया, और विशेष रूप से अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव के बाद चिराग पासवान ने जिस ढंग से लक्ष्य बना करके मैंने नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के विरुद्ध अपना उम्मीदवार दिया, ऐसा उम्मीदवार दिया जिससे उनका वोट कटे, उसके बाद संख्या उनकी कम हो गई। पहले बड़े भाई का दर्जा था, डिक्टेशन दिया करते थे, अब दर्जा जो है छोटे भाई का हो गया, छोटे भाई और बड़े भाई में फासला ज़्यादा हो गया। अब जो है वो उनकी हैसियत नहीं रही जो पहले थी। इसके अलावे इधर जो है जैसे जातीय जनगणना वाली बात है, या पेगासस में जो टेलीफोन टैपिंग का मामला है, इसमें नीतीश कुमार का जो स्टैंड है, यह स्टैंड भी भारतीय जनता पार्टी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। तो इस तरह से एक तनाव का वातावरण दिखाई दे रहा है। ललन सिंह का बयान हम भी पढ़े, उन्होंने ये आरोप लगाया कि अरुणाचल में हमारे पार्टी के सात विधायक थे, उन विधायकों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर मिला लिया। उनका ये भी कहना है कि साहब बिहार के बाहर हमारा कहीं उनके साथ माने हम गठबंधन बना करके चुनाव नहीं लड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर माने हमको भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल करके कुछ सीट पर गठबंधन के माने पार्टनर के रूप में लड़ने की अगर माने गुंजाइश नहीं देती है तो हम वहाँ अकेले भी लड़ सकते हैं। तो ये सब कुछ मिला जुला करके ये दिखा रहा है कि गठबंधन के अंदर जो है वो सहजता नहीं है, असहज किस्म का हो गया है ये गठबंधन, हालांकि बहुत पुराना गठबंधन है और इसके पीछे वही हालत है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, आरएसएस का ये चरित्र है कि किस माने जिसके साथ वो गठबंधन करते हैं वो ईमानदारी का गठबंधन नहीं होता है, कोशिश उनकी ये रहती है कि उसके आधार को हम अपने तरफ मिला लें। तो ये स्वाभाविक रूप से ये हो रहा है। इसलिए ललन सिंह जो कह रहे हैं अकेले हम लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, वो तो एक अलग बात है, कहने की बात है अकेले लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। अभी तक जिस ढंग से बिहार में चुनाव होता रहा है, चुनाव में जो है तीन पार्टियां बिहार में हैं मुख्य तौर पर, उसमें राष्ट्रीय जनता दल जो है आज के दिन सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है विधायकों की संख्या के आधार पर भी और वोट में जो शेयर है हमारा उसके आधार पर भी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके अलावा दो पार्टियां हैं, दूसरे नंबर पर पार्टी भाजपा है, तीसरे नंबर पर है नीतीश जी की पार्टी। अब तीसरे नंबर की पार्टी जो है अकेले लड़के सरकार बना लेगी, अब पार्टी के अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए ये सब तरह की बात होती है। उसी अंदाज में जो है मैंने ललन सिंह ने ये बात कही है, नए अध्यक्ष हैं बने हैं, बड़ा मैंने धूमधाम से उनका स्वागत हुआ पटना में, तो थोड़ा जोश में भी थे, उसी में उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। हमको नहीं लगता है कि गठबंधन जो है अभी तत्काल उसमें कोई खतरा पैदा होने वाला है।